हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज कविता, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो फ्रेंड्स, यस्टरडे ही UG मैक की फर्स्ट राउंड की रिजल्ट पब्लिश हुई है और डिफरेंट कॉलेज की डिफरेंट कैटेगरी में क्या कट ऑफ रही, मैंने इस पर एक वीडियो भी बना दी है जो कि मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा। तो फ्रेंड्स, आप सभी बहुत कन्फ्यूजन में होंगे कि किन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, किन लोगों को फ्री एग्जिट करने का मन है तो वो कैसे करें, और फ्री एग्जिट के लिए क्या अलग से सेंटर बने हैं, वहाँ पे उन्हें जाके फ्री एग्जिट करना होगा। सो बहुत सारी कन्फ्यूज़न जो है वो आपकी माइंड में अभी घूम रही होगी। सो इन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो प्रॉस्पेक्टर से एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, और इस वीडियो में बेसिकली मैं इन्हीं डिफरेंट कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाली हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए और आप अच्छे से एडमिशन लें। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट केस ये है कि जिन भी बच्चों को राउंड वन में सीट अलॉट हो गई है उन लोगों को फिजिकली रिपोर्टिंग सेंटर में जाके रिपोर्ट करना है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो जो लोग रिपोर्टिंग सेंटर में फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे, दे विल बी कंसीडर्ड कि उन्होंने मतलब उनका जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और इट विल बी कंसीडर्ड अ फ्री एग्जिट। तो जिन भी लोगों को राउंड वन में सीट मिली है उन्हें रिपोर्टिंग सेंटर पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना है, अदरवाइज यू विल बी कंसीडर्ड एज अ फ्री एग्जिट, अदरवाइज आपको फ्री एग्जिट कंसीडर कर दिया जाएगा। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी अगर आप रिपोर्टिंग सेंटर में रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं, यानी आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, तो आप यू कैन गो फॉर टू ऑप्शन, या तो आप जाके एडमिशन ले लीजिए या फिर आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। सो आप लोगों ने फ्री एग्जिट का नियम तो समझ ही लिया होगा, इसके लिए भी आपको रिपोर्टिंग सेंटर में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। तो फ्री एग्जिट की भी कुछ डेट मेंशन की गई है, एक बार आप जाके प्रॉस्पेक्टस में देख लीजिएगा कि कब तक आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। सो दूसरा केस ये बनता है कि कुछ बच्चों ने जो हमारा अपग्रेडेशन है उसके लिए जब भी आप भर रहे थे तो आपने अपग्रेडेशन में डाल दिया था। तो जिन लोगों ने अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज़ किया है तो उन्हें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्टिंग सेंटर में जाना है। सो जब आप रिपोर्टिंग सेंटर में जाएंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बट आपको ना सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा हो जाएंगे और आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगी, वो आपको अपने पास रखना है। तीसरा केस ये बनता है कि जिन भी लोगों ने ऑटो अपग्रेडेशन में नो का ऑप्शन चूज किया था तो उन लोगों को क्या करना है, रिपोर्टिंग सेंटर पे जाना है, वहाँ पे अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एडमिशन जाके ले लेना है, और जो उनका डॉक्यूमेंट होगा वो जहाँ पे एडमिशन हो रहा है वहाँ पे वो रिटेन हो जाएगा, वो उन्हीं के पास रह जाएगा, ठीक है, तो अब आपका एडमिशन हो जाएगा। चौथा केस ये बनता है कि अगर कुछ बच्चों ने ऑटो अपग्रेडेशन में येस का ऑप्शन सिलेक्ट किया था बट उनका ऑटो अपग्रेडेशन सेकेंड राउंड में नहीं होता है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप लेके जाना है उसी कॉलेज में जो आपका पहला कॉलेज था और वहाँ पे जाके आपको अपना एडमिशन ले लेना। सो फ्रेंड, बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको सारे कन्फ्यूजन दूर कर दी होगी, आई जस्ट होप, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्वेरीज होती है और ये क्वेरीज लाजमी है होना। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको राउंड वन में सीट मिली है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, फ्री एग्जिट के लिए क्या करना है। दूसरी पॉइंट बता दी, अगर आपको ऑटो अपग्रेडेशन आपने किया हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने ऑटो अपग्रेडेशन नहीं किया है तो उसके लिए आपको क्या करना है, और अगर आपको ऑटो अपग्रेडेशन करने के बावजूद सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिलती है तो उसके लिए भी आपको क्या करना है। तो जिन भी लोगों ने मेरी वीडियो अंत तक देखी होगी उन सबकी जो दिक्कत होगी या कन्फ्यूज़न होगी वो दूर हो गई होगी। सो ऑल द बेस्ट, आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो और आपको अच्छे से एडमिशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।